नेचुरल पूजा, कैसे हो आप सब? जैसे कि आप सब लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं अपना हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप लोगों के कहने पर मैं अपना हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साइड में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर क्लिक करना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप देख पाओ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं आज के टॉपिक पर बातें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे जो बालों की लेंथ है इस हिसाब से मैं अपने बालों को जो धोती हूँ एक दिन छोड़ के धोती हूँ, क्योंकि गर्मियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में आप समझ सकते हो हम किचन में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और पसीने की वजह से जो हमारा पसीना हमारे सर में जमा हो जाता है, हवा नहीं लग पाती, तो उसकी वजह से हमारे सर में खुजली भी होने लगती है। तो इसलिए मैं एक दिन छोड़ के अपने बालों को धोती हूँ। और अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप कोशिश करिए अपने बालों को डेली धोइए। बाल धोने के लिए जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं ये करती हूँ आयुर का हर्बल शैम्पू। ये मुझे बहुत ही अच्छा शैम्पू लगता है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और ये आंवला रीठा शिकाकाई इन सब से बना हुआ है, तो इसलिए ये शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीच में मैंने शैम्पू चेंज भी किया था लेकिन मुझे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा से मैंने इसी को शुरू कर दिया, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे मैं अपने बालों को धोती हूँ। अब मैं बताती हूँ हफ्ते में जो मैं दो दिन करती हूँ, मैं करती हूँ लेती हूँ विटामिन ई कैप्सूल, ये मैं 3 कैप्सूल लेती हूँ, और लेती हूँ एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में प्लांट है तो आप उसका पल्प ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप ये पतंजलि का ले सकते हो या फिर कोई और भी ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो। और फिलहाल ये खाली है और इसमें एलोवेरा जेल है नहीं, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, मेरे घर में प्लांट भी है तो मैं वो ले लेती हूँ कभी कभी। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके तीन ये विटामिन ई कैप्सूल लेती हूँ, 3 या 4 चम्मच लेती हूँ एलोवेरा जेल। इनको अच्छे से मिक्स करें, और संभव हो सके अगर आप एक दिन छोड़ के भी इसकी मालिश करना चाहो तो कर लो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इससे क्या होता है, हमारे बालों की ग्रोथ होती है, हमारे बालों में चमक आती है, हमारे बाल सॉफ्ट बने रहते हैं, और जो हमारे बालों का टूटना झड़ना होता है ये भी थोड़ा कंट्रोल में हो जाता है। तो मैं यही करती हूँ हफ्ते में 2 दिन। इसके साथ में मैंने अभी कुछ टाइम पहले रिबॉन्डिंग कराई थी, आप लोग यकीन नहीं मानोगे रिबॉन्डिंग के बाद जो मेरे बालों की बैंड बजी ना, सच में मुझे रोना आया करता था कि यार मेरे बालों का क्या हाल हो गया, मैं कैसे कंट्रोल करूँ बालों को। इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता था कि मैं कॉम करने के जब मेरा टाइम आता था तो मैं सोचती थी कि कॉम करूं कि नहीं करूं, कि मेरे बाल और ज़्यादा झड़ेंगे, लेकिन वो जो केमिकल यूज हुआ था रिबॉन्डिंग में, सच में उन्होंने तो मेरे बालों की एकदम क्या बताऊँ आपको कि मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको किस तरीके से कंट्रोल किया मैं आपको बताती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी और ये टैबलेट है, ये मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी उसमें भी इसका नाम लिया था, कल्जिबिट टैबलेट है ये, और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, आप वहाँ से लेके आएँ, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। ये टैबलेट मैंने डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाई थी, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इसका 3 महीने का कोर्स होता है, आप 3 महीने खाइए, और 3 महीने जैसे आपके ख़त्म होंगे, आपका कोर्स कम्प्लीट होगा, तब आपको लगेगा कि सचमुच आपके जो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, टूट रहे थे, वो कंट्रोल हो गए, मतलब हेयर फॉल आपका पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। और आपको फिर आप इनको छोड़ दीजिए 3 महीने के बाद, आपको फिर अपना कभी लगे 4 महीने बाद 3 महीने कि आपका दोबारा से हेयर फॉल हो रहा है तो आप फिर खा सकते हो उन्हें 3 महीने। 3 महीने से ज़्यादा बिल्कुल भी ना खाएं, 3 महीने के बाद आप छोड़ दें, बीच में 1 महीने का गैप ले लें, 2 महीने का ले लें, उसके बाद फिर शुरू कर दीजिए, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मैंने डॉक्टर के अनुसार खाई थी और वही मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि किस तरीके से इसको खाना है, तो ये आप ज़रूर खाएँ। और मैं हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऑयल करती हूँ, ऑयल लगाती हूँ अपने बालों में, और जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ ये मेरे पतंजलि का नारियल ऑयल है, ये मैंने लिया है, और इसमें मैं क्या करती हूँ कुछ चीज़ें और घर में ऐड करती हूँ, मतलब इसको और थोड़ा अच्छा हेल्दी तेल बनाती हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, मतलब आप किसी भी कढ़ाई में निकाल सकते हो। कढ़ाई में निकालने के बाद अगर आपके घर में एलोवेरा प्लांट है तो आप प्लांट ले सकते हो, नहीं है तो आप जो मैंने बताया था रेड मिर्ची भी काम चला सकते हो। अगर प्लांट है तो उसकी लीफ तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके साफ करके आप इसको तेल में डाल दें, 4-5 कली लें लहसुन की, उसको अच्छे से छील के अच्छे से कुचल के तो उसको भी डाल दें। एक प्याज ले लें, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के प्याज भी डाल दें। आप क्या करना है, आपको ये रखना है गैस के ऊपर, इसको एकदम स्लो फ्लेम पर गैस को रखें, मतलब एकदम धीमी कर दें आँच को। धीमी करने से क्या होगा, जो ये ऑयल है जो भी हमने इसमें डाला है सब कुछ, वो धीरे धीरे अपना अर्क छोड़ेगा और ऑयल आपका बन के हो जाएगा तैयार। आप गैस का ध्यान रखें, हाई पे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो नारियल का तेल होता है आप हाई पे करोगे तो उड़ जाता है बहुत जल्दी, आपकी कढ़ाई में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको वो नजर आएगा, तेल तो कोई नजर ही नहीं आएगा, इसलिए गैस का आप जरूर ध्यान रखें। और जब ये ठंडा हो जाए,
आपको लगे कि ठंडा हो गया, किसी भी छान के आप किसी भी बर्तन में भर के आप इसे रख लीजिए, किसी भी डिब्बे में जिसमें आप रखना चाहो उस स्टोर करके आप उसमें भर के रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 4-5 लेने हैं विटामिन के कैप्सूल, उस तेल में विटामिन कैप्सूल का जो ऑयल होता है उसको डाल दें, अच्छे से मिक्स कर दें, मतलब इस तरीके से करें हिला के और रख दें। जब भी आप अपने बालों में तेल डालें तो इसी तेल का यूज़ करें, आप देखोगे आपका जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था वो कंट्रोल हो जाएगा, वो तो आपका इसी टैबलेट से हो जाएगा। इनसे क्या होगा, हमारे बालों की नमी बनी रहेगी, सॉफ्ट बने रहेंगे, स्मूथ बने रहेंगे और आपके बालों की ग्रोथ भी बनेगी। तो ये सब कुछ मैं करती हूँ, मेरा सिंपल सा था और जो भी था आपको जैसा भी लगा मैंने आप लोगों से शेयर किया आप लोगों के कहने पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बोलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।